हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं प्राइम वीडियो पर वो कहते ना कि रिलीज की गई लाइक अ ड्रैगन याकुजा जैसी सीरीज, जो कि एक्चुअल में गेम की अडेप्टेशन है। लेकिन अगर गेम की बात करूं तो समहाउ गेम मैंने खेल रखे है, लेकिन अब मेरी याददाश्त इतनी ज्यादा नहीं कि मैं गेम को याद करते बैठूं, क्योंकि जिस टाइम पर मैं ये गेम खेल रहा था बस मुझे लोगों को मारना था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लीड कैरेक्टर कजुमा को लेकर के करता ही था, जिस तरीके की चीजें लोग आज की तारीख में अब भी GTA 5 को लेकर के करते हैं। लेकिन वो कहते ना कि जिस टाइम पर ये बंदा जितना ज्यादा चैट था उतना ही बहुत ज्यादा वियर्ड भी, क्योंकि ऑब्वियसली गेम को कुछ उसी तरीके से ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जिससे अब हटकर सीधे इस सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी ठीक गेम के हिसाब से ही चार कैरेक्टर्स पर फोकस करती है, यानी चार अनाथों पर, जिसके बाद वो लोग याकुजा से पंगा लेंगे और फिर क्या 90 के दशक में उन चारों की जिंदगी कैसे बदलेगी, जिसका परिणाम कहानी के हिसाब से फ्यूचर यानी कि साल 2005 के आसपास है। तो हां, कुछ उसी सिचुएशन को पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से आपको पूरी सीरीज में लगभग 6 एपिसोड तक दिखाया जाएगा, जिसके बाद अभी के लिए तो 3 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं, लेकिन अर्ली एक्सेस में 6 के 6 एपिसोड्स मुझे दिए गए थे, जिसमें से मैंने कितने देखे हैं वो इंट्रो के बाद बताऊंगा। बाकी उससे हटकर एपिसोड्स की लेंथ पर बात करूं तो 40-45 मिनट के आसपास के एपिसोड है। इसके अलावा शो में फिलहाल तो मार धाड़ ही दिखाई गई है जहां तक मैंने देखा है, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ थोड़ा अवॉइड कर देखोगे तो बात ज्यादा बेटर रहेगी। और इससे हटकर गेम के फैंस के लिए क्या ये शो उतना भी ज्यादा खास बनता है या नहीं, चलिए उस पर भी बात करते हैं। लेकिन अब इंट्रो की थोड़ी सी डिमांड भी कर रही हूं, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि इस शो के पूरे एपिसोड्स को मैं एक हिसाब से देख नहीं बल्कि झेल ही नहीं पाया, जिसके अब अगर रीजन की बात करूं तो वो है शो की पेस्टिंग और खास करके एडिटर का एक ऐसा कारनामा जिसे देख करके मैं बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। यानी इस सीरीज की जो जान बना करके डाली गई है पास्ट एंड प्रेजेंट वाली सिचुएशन, वो सच में शो को देखने का मजा पूरी तरीके से बिगाड़ रही थी। क्योंकि एक तो पहले से ही गेम में इन्होंने कैरेक्टर की प्रेजेंट टाइमलाइन पर फोकस किया है, यानी साल 2005 में जब वो सभी चीजों से हट करके एक हिसाब से याकुजा के अगेंस्ट या फिर उसके दोस्त के अगेंस्ट भी खड़ा होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, गेम में जिस तरीके से ये कैरेक्टर काफी ज्यादा केओस मचाता है उन सब में, तो इन्होंने मुझे लगता है कि शुरुआत उस लेवल की इन कैरेक्टर्स को दी है, जिसमें भले से ही एक्टर्स कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना करे, बट फिर भी शो की राइटिंग इतनी ज्यादा घटिया और बेकार थी कि मैं राइटर को एक ही बात कहूंगा कि शायद उन्होंने गेम को, कहते ना कि अच्छे से जिया ही नहीं। जिनका ज्यादा फोकस मुझे लगता है कि स्टोरी पर ही था, जिसके चलते उन्होंने कैरेक्टर के वो एनिमल वाले हरकतें थी उसे पूरी तरीके से हटा दिया। क्योंकि गेम के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करूं तो वो है इसके साइड मिशन। जी हाँ, गेम की मेन टाइमलाइन से हट करके गेम के जो भाई साइड मिशंस थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिन सब के चलते इस कैरेक्टर का एक अच्छा खासा ऑरा बन जाता है। लेकिन इस शो में उन चीजों पर कम फोकस करते हुए राइवली गैंग और जापान की याकुजा के डिसिप्लिन देख करके भाई अंदर से ये बात निकल कर आ रही थी कि भाई आते यहाँ पर थोड़ा सीख लेते मुंबई में 80s के दशक में डॉन्स किस तरीके के थे, क्योंकि लिटरली उन्हें इस शो में देख करके क्या गुंडा बनेगा रे तू, उस वाला हिसाब निकल कर आ रहा था। बाकी मोमेंट की बात की जाए तो बस हाइप अप करके वो लोग किसी भी तरीके का समा ही नहीं बना पाते, जिसके चलते ये शो मेरा इंटरेस्ट ग्रैब ही नहीं कर पा रहा था। ठीक इस रिव्यू की तरह, जिसे देने में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन खैर, अब जबकि शो भले से ही आधा ही सही ऑलमोस्ट खत्म करने की कगार पर पहुंच चुका था, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके भी टाइम को बचाते हुए यही कहूंगा कि इससे अच्छे अच्छे बाकी दूसरे शोज पड़े हुए हैं उन पर टाइम दे देना ज्यादा बेटर रहेगा, ये शो टाइम के लायक नहीं है। बाकी हाँ, जिन लोगों ने इस जॉनर में काफी कुछ नया नहीं देख रखा तो शायद वो लोग, मुझे लगता है कि वन टाइम वॉच के हिसाब से इस शो को झेल सकते हैं। इसके अब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो भाई साहब, जिस तरीके का समय इन्होंने सीधे गेम से निकाल करके प्रोडक्शन क्वालिटी में डाला है उसके लिए तो इन्हें फुल मार्क्स मिलते ही है। और साथ ही साथ कैरेक्टर्स के गेटअप भी कॉस्प्ले कम और गेम से उठा करके डाले गए हैं, ये बात पूरी तरीके से फील करवाते हैं। लेकिन वो कहते ना कि फायदा ही क्या, जब अपने अच्छी राइटिंग ना लिखते हुए बस शो के प्रोडक्शन क्वालिटी पर ही ध्यान दिया, जिसके चलते ये शो मेरी नजर में तो बहुत बुरा बन गया। बाकी हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसके आई थिंक बाकी के 3 एपिसोड शायद 1 या 31 तारीख को आ जाएंगे, जो कि बाय द वे मिनी सीरीज भी बताई जा रही है। लेकिन अब इस शो की डिमांड किस तरीके की रहेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिसके बाद जाकर के वो लोग डिसीजन लेंगे, यानी कि प्राइम वाले कि इसका सीजन 2 भी बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि गेम ही इतने सारे बने हुए हैं जिससे वो लोग इंस्पिरेशन लेते हुए कुछ भी बना करके दे सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर उन्हें बनाना था तो मुझे लगता है कि सारे गेम की स्टोरी को बैठ करके अच्छे से ऑब्जर्व कर टाइम लेते और एक ढंग की मिनी सीरीज बना करके देते, जो कि अनफॉर्चुनेट ये नहीं है। इसलिए अब इस शो की तरह आपके टाइम को बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए सीधे रेटिंग्स के सेक्शन पर बढ़े तो एक्शन के लिए ये शो जितने भी शो में जबरदस्ती के दिखाए गए हैं उस हिसाब से 5 में से 2 स्टार लेंगे, और कॉमेडी के लिए
ज्यादा स्टार, वो भी अकीरा नाम के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर, जो बाद में बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाएगा। ऑफिस के बाद बात करें ड्रामा की, तो अनफॉर्चुनेट ड्रामा मेरी नजर में कुछ भी नया ना प्रेजेंट करते हुए 5 में से सिर्फ 1 स्टार ही लेगा। और फिर बात करें सस्पेंस की, तो सस्पेंस नाम की चीज एडिटर सोच रहा था कि वो पास्ट प्रेजेंट दिखा करके बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट कहानी में वो दम था ही नहीं, जो कि मेरी नजर में इस शो को सस्पेंस की कैटेगरी में 0 स्टार देगा। और फिर बात करें शो के हॉरर फिल की, तो हॉरर नाम की चीज शो में है नहीं, और फिल की बात की जाए तो हाँ आधा स्टार ले लो। जिनसे हटकर सीधे बात की जाए मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस इस बोरिंग से शो को मुझे लगता है कि बी माइनस की कैटेगरी में रखेगी, तो वही क्रिटिक इस शो को ठीक मास ऑडियंस की तरह बी माइनस की कैटेगरी में रखेगी। और वही आप मेरी राय पूछो तो भाई बहुत बेकार सा शो था, जिसे मैं समहाउ सी की कैटेगरी में सिर्फ इसके प्रोडक्शन की क्वालिटी को ध्यान में रखकर रख रहा हूँ। बाकी खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लाइक अ ड्रैगन याकुजा सीरीज गेम की अडेप्टेशन को लेकर जिस बारे में आप अपनी राय कमेंट में लिख कर बताइए। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.